हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मोनिका ब्लॉग्स एंड कुकिंग्स में। तो आज की वीडियो थोड़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो बेटे की भी तबीयत अच्छी नहीं है, मेरी भी नहीं है थोड़ी। तो अभी चाय वगैरह पिए, उसके तो उसको दवाई दे दी है, तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। तो आज मैं मटर पुलाव बना रही हूँ। मैंने सब कुछ काट के रख दिया हुआ, मटर, न्यूट्री, सोया न्यूट्री, मैंने सब कुछ काट कर दिया, प्याज, टमाटर। आज ये मिक्स करके यही पुलाव टाइप बनाऊंगी। तो यही वीडियो आपसे शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरे देखें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसमें भी प्याज हो गई, इसमें टमाटर डाल रहे हैं, टमाटर डाल दिए मैंने, मतलब मैंने ज़्यादा रख दिया, तेज़ रखा। और मैं इसमें ये सोया चंक, थोड़ा ये तड़का अच्छे से भून लेना, सब ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि मिर्ची खाई नहीं जा रही। और चम्मच हल्दी पाउडर निकाल लेते हैं थोड़ा। ये मैंने सोया चाप लाई थी, तो उसके साथ ये मसाला मिला था, सोया चाप मसाला, वो मैंने रखा हुआ। ये थोड़ा सा ये डाल देते हैं अच्छा से। आपको सोया चाप के बीच में हमारे यहाँ जम्मू में बीच में ये पाउच मिलता है उसके, सोया चाप के उसका मसाला एक टेस्ट करके देखूँगी। और अब डालते हैं इसमें चावल। चावल आप अपने हिसाब से, जितने आप अगर एक गिलास खाना चावल बना रहे हैं तो पानी डालती हूँ। उसी तरह मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा किचन किंग मसाला, ये थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया। अब थोड़े नरम चावल बनेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर देती। तो फ्रेंड्स, मेरे चावल जो है वो विसल कम हो गई। मैंने बनाया है ये रायता, देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया से चावल रेडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है। तो अभी का फिलहाल ये बनाकर, तो आगे आपसे देखूंगी, दोपहर को शेयर करूंगी जब खाते हैं ये, तो भी डाल कर देती हूँ, तो आपसे शेयर करूंगी। और थोड़ा बहुत शाम का, आज ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि तबीयत अच्छी नहीं है, मेरी भी नहीं है, बेटे की भी अच्छी नहीं है। तो फ्रेंड्स, बस आपसे यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी देखें, लाइक। चावल मेरे बन के तैयार है, ये खाना खा रहे हैं, बेटे को डाल कर दिए, मैं तो अभी खाऊँगी नहीं, काम कर रही हूँ मैं। तो मैं आपको बताती हूँ जो मैंने चावल बनाए हैं। फ्रेंड्स, मेरे पुलाव लाइट ऑन, ये देखिए मटर पुलाव। ये मैंने थोड़े से आलू बॉईल किए थे, इसको अच्छे लगते हैं, ये खा लेता है बेटा। इसमें नमक ऐड किया, ये रायता बनाया है, और ये एक दो खीरा डाल कर तो दिया लेकिन खाएगा नहीं। फ्रेंड्स, और फ्रेश होकर आ गई, तो अब मैं खाना खाने लगी हूँ। और ये बेटा, इसकी तबीयत क्या देखिए ख़राब है। हेलो करो बेटा, इसको क्या फीवर है अभी थोड़ा, अभी सुबह भी दवाई खिलाई थी मैंने, तो अभी भी शाम को दोपहर को भी खिलाई, तो लेकिन अभी भी थोड़ा है, तो मैंने अभी फ़िलहाल इसको स्कूल नहीं भेजा, ट्यूशन भी नहीं भेजा। तो अब हम दोनों लंच करने लगे हैं। आज खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने पुलाव बनाया, वो गला ये जैसा अंदर से ऐसा लगता जैसे पक गया है, दर्द हो रही है। तो आपको बताती हूँ मैं जो खाना खा रहा हूँ, बस ये मटर पुलाव, मटर और सोया चंक्स, उसका पुलाव बनाया है। और ये थोड़ा सा सलाद है, ये बूंदी वाला रायता है, और ये हमारा, हम लोग उसको तंतूरियाँ बोलते हैं, तंतूरियों की सब्ज़ी, बस ये। तो अब ये हम खाने लगे हैं। फिलहाल अभी फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, शाम हो गई है तो मैंने सोचा चलो शाम के डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। कोई सब्ज़ी थी नहीं और मन भी नहीं कर रहा था खाने का, तो मूली लाई। मूली की सब्ज़ी मैंने छूट के ग्रेट करके बना दी और मुझे बेटा खाता नहीं है तो उसके लिए मैंने कहा उसका वैसे भी कुछ भी मन नहीं कर रहा, ऐसे आलू थोड़े से बना देती हूँ, नमक और हल्दी डालकर, ज़्यादा कुछ नहीं डाला। तो मूली की सब्ज़ी मेरी पॉलिनॉल पकी गई थी और थोड़े से आलू बेटे के लिए बनाए मैंने, चलो कुछ तो खाएगा, खा ही नहीं रहा खाना बिल्कुल भी। और खाना वगैरह बनाने के बाद भी मैंने अपनी स्लैब जैसे रोज़ साफ़ करती हूँ मैं, क्लीन करके रखती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती गंदी भी। और साथ साथ में मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट हो गई, रोटियाँ बनाई थी मैंने, रोटी डाल के दी, रोटी खा रहे थे। कृष्ण लीला बता रहे हैं, ये देखिए टीवी पे ये आ रहा है, एक साइड माँ बड़ी अच्छी लगती है मुझे और एक तरफ एक चैनल पे पता नहीं कौन सा चैनल एक पे वो आती है, क्या बोलते हैं रामायण, तो अभी मैं फिलहाल वो देख रही थी माँ के साथ में अपना ब्लॉग एड करती हूँ। और वो कहती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरे बेटे की जब तबीयत अच्छी हो जाएगी फिर उससे और ज़्यादा अच्छे ब्लॉग जाएंगे, क्योंकि अभी हेल्थ मेरी भी अच्छी नहीं है और उसकी भी अच्छी नहीं है और मन भी नहीं करता। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। बाय।